हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल शोकिल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक ऐसा हीटर चूल्हा, यानी एक ऐसा स्टोव जिसके द्वारा हम खाना भी बना सकते हैं और ताप भी सकते हैं। साथ ही साथ हम फ्रेंड्स इसके द्वारा पानी भी गर्म कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 130 रुपए में बनके तैयार हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ 280 वाट का है और मार्केट में जो हीटर चूल्हा मिलता है वो 2000 वाट का मिलता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके द्वारा कितनी बिजली की बचत होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मुकेश भाई, ये तो गर्म ही नहीं होगा, इसके द्वारा कैसे खाना बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि इसकी हीटिंग कितनी तेज है, जिससे इसके द्वारा खाना भी बन सकता है, ताप भी सकते हैं और पानी भी गर्म हो सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। तो यार फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम इस तरह का ये टीन कनस्तर का डिब्बा, जो कि मैंने परचून की शॉप से 15 रुपए में लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लोटस वगैरह लिखा हुआ है क्योंकि ये घी का डिब्बा था। तो चलिए इनको तो मैं हटा देता हूँ। और वैसे भी फ्रेंड्स, मैं इस डिब्बे को गर्म पानी के द्वारा अच्छे से क्लीन कर लूंगा ताकि इसके अंदर जो चिकनाहट है वो निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से कट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देखिये, ये 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर के लगभग इसको हम कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है और अब देखिए इसको हम किस तरीके से कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको कट कर लिया है और आप देखिए इसके नीचे की तरफ से हम इसको इस तरीके से कट करेंगे जैसा कि मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इस हीटर चूल्हे की 4 लेग बना लेंगे, साथ ही इसको अच्छे से डिजाइन भी दे देंगे। साथ ही फ्रेंड्स, टिन कनस्तर को हम इस तरीके से मोड़ लेंगे ताकि हाथ अंगुलियां कटने का कोई भी डर यहाँ पर नहीं रहे। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस हीटर चूल्हे के लिए इसको अच्छे से डिजाइन दे दी है। और ये देखिए, जो इसके ऊपर घी तेल चिकनाहट लगी हुई है, इसको हम गर्म पानी के द्वारा क्लीन कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने इसको कर लिया है, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम 3 साइकिल की स्पोक, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये काफी मजबूत वाली साइकिल स्पोक है क्योंकि ये मैंने मोटी वाली परचेज की थी और सिर्फ 2 रुपए के अंदर एक साइकिल स्पोक बिल्कुल आसानी से मिल जाती है फ्रेंड्स। तो इनको फ्रेंड्स हम इस अंगीठी चूल्हे पे इस तरीके से फिक्स करेंगे जिससे इसके ऊपर कोई भी पतीला वगैरह बिल्कुल आसानी से रखा जा सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टोटल में इनके लिए 8 होल करूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वो होल कहाँ कहाँ होंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने होल कर लिए हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कोई भी पुराने कलर के डिब्बे का यहाँ पर ये ढक्कन ले लेंगे इस तरह का। आप चाहे तो इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसको साफ कर लिया है। तो ये हम क्यों ले रहे हैं, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जो स्पोक है, इनको अगर मैं इस तरीके से लगाऊंगा एक के ऊपर एक, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगी। तो मुझे इन सब के तल को बराबर रखना है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बराबर रखना है। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से लगेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको 20 सेंटर में इस तरीके से करके और जो 6 हमने किए हैं उनके जस्ट सामने मैं इस ढक्कन के ऊपर मार्क कर लूँगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ढक्कन के अंदर हम इस तरीके से 8 होल करेंगे। ये देखिए, जो मार्क हमने किए हैं उनके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने होल कर लिए हैं। ये देखिए,
और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो स्पोक है इनके हम 8 टुकड़े करेंगे, इनको कट करके 4 हम करेंगे 9 सेंटीमीटर के और 4 करेंगे 11.5 सेंटीमीटर के। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स मैं मार्क कर लूंगा 11.5 सेंटीमीटर, ये हो गया, और यहाँ पर कर दिया मैंने 23 पे, तो 11.5 सेंटीमीटर ये हो गया। तो सभी टुकड़ों पे फ्रेंड्स मैंने मार्क कर लिया है और चलिए अब जल्दी से कटिंग कर लेते हैं इनकी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने ये टुकड़े कर लिए हैं और देखिए अब हम इनको किस तरीके से लगाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स। तो यार फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इनको फिक्स करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एम सील का यूज करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको मैं मिला लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे लग रहा था मुझे, तो देखिए यहाँ पर मैं एक वाशर का यूज करूंगा, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, ताकि ये ऊपर की तरफ आ जाए। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ी सी फेविक्विक डाल के इसको फिक्स कर दूंगा और उसके बाद में करेंगे हम एम सील के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर दिया है, और अब देखिए यहाँ पर जितनी भी ताड़ियाँ हैं इनको भी हम बाहर की तरफ से फिक्स कर देंगे, यानी कि यहाँ से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स 25 से 30 मिनट के अंदर एम सील अच्छे से फिक्स हो चुकी है, और अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने इस तरह के सॉकेट हीटर के अंदर लगे हुए देखे होंगे, ये आपको बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से या फिर जो हीटर वगैरह रखते हैं उनके पार्ट्स रखते हैं वहां पर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। ये 10 रुपए वाला है, ये 15 रुपए वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये 10 रुपए वाला ही लगाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मुझे इसके लिए सूटेबल लग रहा है। तो चलिए इसको हम लगाने के लिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इस सॉकेट के लिए कटिंग कर ली है। अब देखिए इस सॉकेट को हम बाद में लगाएंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम वो चीज लगाने वाले हैं जिसके कारण ये चूल्हा ये अंगीठी जलेगी, यानी कि हीट होगी। तो वो चीज है फ्रेंड्स जाने माने हमारे ये हीटिंग एलिमेंट। तो चलिए सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इनको। तो जैसा कि मैं अपने काफी वीडियो के अंदर इनको यूज में ले चुका हूं फ्रेंड्स, और इनका रिजल्ट 100% ओके होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स ये 35 वाट के आते हैं, तो यहां पर मैं यूज में लेने वाला हूं 8 पीस। तो 8 पीस पे फ्रेंड्स ये अंगीठी चूल्हा हमारा बनेगा 280 वाट का, जबकि मार्केट में फ्रेंड्स 2000 वाट का चूल्हा मिलता है, जिससे आप लोगों को भी पता है फ्रेंड्स की उससे बिजली कितनी खर्च होती है। मीटर की जो एलईडी लाइट आपने देखी होगी फटाफट ग्लो होती रहती है, इसका मतलब है मीटर कितनी फास्ट चल रहा है। लेकिन ये अंगीठी चूल्हा फ्रेंड्स आपकी बिजली बचाएगा, साथ ही फ्रेंड्स इसकी हीट भी मार्केट वाले चूल्हे की तरह ही होगी, बिल्कुल सेम। लेकिन फ्रेंड्स आप इसके अंदर एक चीज और नोट कर रहे होंगे, इसमें कितना खर्च आ रहा है। जैसा कि मैं आपको हर एक चीज की रेट बताता जा रहा हूँ, और इसका भी मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो के अंदर भी, और अभी भी बता रहा हूँ, एक पड़ा है मेरे 13 रुपए का। तो 8 पीस है, आप जोड़ लीजिएगा फ्रेंड्स। तो अब चलिए फ्रेंड्स जल्दी से हम इनको खोल के इसके अंदर फिक्स करते हैं। तो देखिए किस तरीके से होंगे फ्रेंड्स वो। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गए हमारे हीटिंग एलिमेंट, जो कि 35 वाट के सोल्डरिंग आयरन के अंदर लगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इनको हम इस तरीके से लगाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं इनको फेविक्विक के द्वारा थोड़ा थोड़ा चिपका लेता हूं, और उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स इनको हम किस तरीके से फिक्स करते हैं। और अब देखिए यहाँ पर हम एम सील के द्वारा भी इनको अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने इनको फिक्स कर दिया है एम सील के द्वारा। और अब देखिए यहाँ पर ये जो सॉकेट है इसको भी हम इसी तरह से लगा के फिक्स कर देंगे एम सील के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हम इसको लगाएंगे, आधा अंदर की तरफ और आधा बाहर की तरफ।
और अब देखिए इस सारी एमसील को सोखने के लिए हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है और ये अच्छे से सूख चुका है। और अब देखिए फ्रेंड्स इनके कनेक्शन करते हैं, तो देखिए किस तरीके से होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक एलिमेंट के दो वायर है, तो सबसे पहले हम एक एक वायर को एक जगह कर लेंगे और इसी प्रकार से सभी एलिमेंटों के दूसरे वाले वायर को भी हम एक जगह कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से होंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सभी का एक वायर निकल चुका है और इसी प्रकार से सभी का हम दूसरा वाला वायर भी निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये दो वायर निकाल लिए हैं और इनका कनेक्शन करेंगे हम इस सॉकेट के अंदर। तो चलिए एक एक करके हम इसके अंदर लगा देंगे। और अब देखिए इसी सॉकेट के अंदर हम लगाएंगे पावर कॉर्ड। तो यहाँ पर हम बढ़िया क्वालिटी की पावर कॉर्ड लगा देंगे। वैसे फ्रेंड्स ये पावर कॉर्ड मैंने किसी पुराने प्रोडक्ट के अंदर से निकाली थी, लेकिन अच्छी क्वालिटी की है। तो चलिए इसी को मैं लगा देता हूँ। तो दोनों टर्मिनल्स पे दोनों वायर लग जाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये पावर कॉर्ड भी लगा दिया है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो मोती से मणिया से आप देख रहे हो ये कभी भी हीट होके पिघलते नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी घबराने वाली चीज नहीं है फ्रेंड्स। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इनके हाथ भी लगा दोगे तब भी यहाँ पर कोई भी किसी तरह का करंट नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस हीटर चूल्हे को बना रहे हो तो आपको यार केयरफुली इसको बनाना होगा, यानी कि ये जो वायर है ये सॉकेट के अंदर ही लगने चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर टच कर दो बॉडी के। तो ये चीनी मिट्टी का है और चीनी मिट्टी के अंदर कोई करंट आता नहीं है, तो यहाँ पर किसी भी तरह से बॉडी के ये वायर टच नहीं है। तो बिल्कुल ये 100% सेफ है फ्रेंड्स। तो इस हीटर चूल्हे के द्वारा हम ताप भी सकते हैं और इसके द्वारा खाना भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो इसको मैं लगा लेता हूँ 220 वोल्ट एसी के अंदर। तो चलिए स्विच को ऑन करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इनके अंदर थोड़ा बहुत धुआं निकलेगा क्योंकि ये अभी नए नए हैं, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा, कोई भी धुआं किसी तरह का नहीं आएगा। यहाँ पर अभी आप टेम्परेचर देख सकते हैं 23 डिग्री सेल्सियस के लगभग। और देखिए इसके अंदर किस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा ये देखिए। तो काफी टेम्परेचर हो गया है फ्रेंड्स और यहाँ पर आप धुआं भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने प्लग को बीच में ही निकाल दिया था क्योंकि ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जितने भी एलिमेंट है इनको मैंने वायर से अच्छे से बांध दिया है ये देखिए, क्योंकि मैं इनको बांधना भूल गया था। और देखिए ये और अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए वापस से लगाते हैं हम प्लग को पावर के अंदर। और अब देखिए फ्रेंड्स ये वापस से हीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर धुआं आपको दिखाई देगी क्योंकि पूरी तरह से धुआं अभी निकली नहीं थी। कुछ तो ये हीटिंग एलिमेंट की है और कुछ जो हमने इंस्टेंट ग्लू और एमसील लगाई थी उसकी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यार काफी धुआं निकल रही है अभी भी और किसी तरह का कोई भी करंट यहाँ पर नहीं आएगा फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छी ताप आ रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो एक बार ये धुआं बंद हो जाएगी तो हम इसके ऊपर पानी का पतीला चढ़ा के देखेंगे, क्योंकि यार खाना तो मुझे बनाना आता नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी चेक करा देता बना के। तो चलिए फ्रेंड्स इसके ऊपर हम पतीला चढ़ाते हैं। ये धुआं तो निकल के बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए फ्रेंड्स इस पतीले के अंदर पानी है। और देखिए यहाँ पर हम इसको चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, ये लीजिए फ्रेंड्स। और देखिए सबसे पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ कि पानी कितना ठंडा है अभी, 23 डिग्री सेल्सियस के लगभग, ठीक है। तो थोड़ी देर में फ्रेंड्स यहाँ पर ये पानी काफी हीट हो जाएगा और उसका टेम्परेचर भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको नजदीक से बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर बुलबुले उठना स्टार्ट हो गए हैं पानी के अंदर। और देखिए इसके नीचे से जो धुआं आ रही थी वो बिल्कुल कम हो गई है फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार हम चेक करते हैं पानी का टेम्परेचर अभी कितना हो गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है 31 हो गए हैं अभी। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी धुआं अब नहीं निकल रही है, सिर्फ पानी बहुत तेजी के साथ में गर्म हो रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स काफी तेज गर्म होने स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किस तरह से पानी उकलना स्टार्ट हो गया है और धुआं भी पानी के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी। ये धुआं फ्रेंड्स इसके अंदर से आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही है। और देखिए इसकी आवाज भी आपको सुनाई देगी। ये देखिए मैं पास में लेके चलता हूँ इसको,
देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से हमारा जो पानी है वो उबलना स्टार्ट हो गया है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके द्वारा हम खाना भी आसानी से पका सकते हैं। साथ में तापते रहिए, खाना बनाते रहिए। और देखिए एक बार मैं आपको इसका टेम्परेचर चेक करवाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स 83, 84, 85, 86 काफ़ी टेम्परेचर हो गया है फ्रेंड्स। और देखिए किस तरह से पानी उबल रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको इस तरीके से लगा रखा है पावर के अंदर, ठीक है। और देखिए किस तरीके से हमारा पानी उबल रहा है। तो यार आप खुद देख सकते हैं कि ये हीटर चूल्हा कितना सस्ता बन गया है। और मेन बात है फ्रेंड्स इस हीटर चूल्हे के द्वारा बिजली की काफी ज्यादा बचत होगी, क्योंकि यार ये तो हमारा 2000 वाट का है ही नहीं, सिर्फ 280 वाट का है फ्रेंड्स। तो कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से शेयर कीजिएगा, हो सकता है वो भी ऐसा हीटर चूल्हा बनाने की सोच रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।